अपने शरीर का तापमान दिन के अलग अलग वक्त अलग अलग सीजन में या फिर अपने मूड के साथ बदलता है, जो कुछ वक्त के बाद नॉर्मल होना एक नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन शरीर का हमेशा नॉर्मल लेवल से ज़्यादा गर्म होना एक पेचीदा समस्या हो सकती है। आपने बहुत लोगों को ये कहते सुना होगा कि मेरी बॉडी ज़रा ज़्यादा गर्म है, उस वजह से मैं दुबला पतला हूँ, या मुझे बार बार पिंपल्स होते हैं, बहुत पसीना आता है, जहाँ मैं बैठता हूँ वो जगह, मेरे सोने का बिछौना ज़रा ज़्यादा ही गर्म हो जाता है। आप लोगों में से कई लोगों ने ये खुद भी महसूस किया होगा कि आपका शरीर औरों के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा गर्म है। वैसे गर्मी बहुत बार किसी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में देखी जाती है, जैसे हाथ या फिर पैरों के तलवे, अपना पेट, सर और आँखें। वैसे इन सभी लक्षणों को एक साथ पेट की गर्मी भी कहा जाता है। तो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मयूर और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सेसिव बॉडी हीट की। इस प्रॉब्लम का कारण क्या है ये मैं आपको समझाऊंगा और बाद में बात करेंगे बेस्ट और इजी सॉल्यूशंस की, जिससे आप इस हीट और उससे होने वाले कॉम्प्लिकेशन से बच पाएंगे। तो पूरी और सही जानकारी के लिए आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखते रहें। तो आपके कमेंट्स को सबसे पहले रिप्लाई के लिए और आने वाले सभी वीडियोस को बिना मिस किए सबसे पहले देखने के लिए आप प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, बगल वाले बेल आइकॉन पर भी जरूर क्लिक कीजिएगा। तो इस प्रॉब्लम का कारण पित्त दोष है, ये तो आपने सभी के मुंह से सुना ही होगा। लेकिन ऐसा क्या हो जाता है कि आपका पित्त प्रकोपित हो जाता है और फिर हमेशा के लिए ही बॉडी गर्म रहना शुरू हो जाती है? और इस बात को सिर्फ एक आयुर्वेद एक्सपर्ट ही ठीक से एक्सप्लेन कर सकता है। पित्त, जो अपने शरीर का ऊष्मा यानी टेम्परेचर के लिए जिम्मेदार होता है, तो उसकी उत्पत्ति रक्त के मल से होती है, ये आयुर्वेद का सिद्धांत है। तो अब ये रक्त के मल क्या होते हैं? तो वो होते हैं बाइल एसिड्स, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड और बाइल पिगमेंट्स। वैसे पित्त में 95% तक पानी होता है और मॉडर्न साइंस भी इन्हीं सब्सटेंस को पित्त के प्रोडक्शन में इंग्रेडिएंट्स मानते हैं। वैसे हीमोग्लोबिन और RBC के लीवर में डिस्ट्रक्शन के बाद भी कुछ बाइल प्रोड्यूस होता है और पित्ताशय में स्टोर हो जाता है। और जब भी हम कुछ खाते हैं तो पचन के लिए ये पित्त ग्रहणी यानी डियोडिनम नाम के एक छोटे हिस्से में चला आता है। यकृत और प्लीहा यानी लीवर और स्प्लिन रक्त स्त्रोतस के मूल स्थान कहे गए हैं। यदि इन स्थानों में कुछ गड़बड़ी हो जाए तो ये पित्त के उत्पत्ति का एक काम जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। अपना लीवर नेचुरली शरीर का सबसे गर्म ऑर्गन है, तो आप यहाँ एक गीजर के बारे में सोच सकते हैं, जिसे ठंडा पानी पाइप से गीजर में आता है, गीजर की गर्मी की वजह से गर्म होकर फिर बाहर चला जाता है। वैसे ही अपने खून के साथ लीवर में होता है। ज़्यादा एसिडिक फूड, पित्त का प्रकोप का नेचुरल ऋतु यानी शरद ऋतु यानी अक्टूबर के आसपास का सीजन, अल्कोहल, ज़्यादा गर्म माहौल में काम करना और सबसे कॉमन तकलीफ खसरा यानी मिसेल्स का इन्फेक्शन और पीलिया के बाद यदि ठीक से ट्रीटमेंट नहीं ली जाती है तो शरीर इन इन्फेक्शन के चलते हमेशा ज़्यादा गर्म रहने लग जाता है। इस बढ़ी हुई गर्मी की वजह से अपना शरीर एक तरह से सूखने लग जाता है। किसी भी काम में मन ना लगना, वजन ना बढ़ना, बार बार पिंपल्स हो जाना, हाथ पांव में जलन रहना, बालों का रंग बदल जाना, ठीक से खाना ना पचना, बार बार सिर्फ ठंडा खाने की या फिर पीने की इच्छा होना, ऐसे लक्षण ऐसे इंसान में दिखाई देते हैं। तो अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात पे कि इसे कैसे कम किया जाए। तो आपको अब तक आयुर्वेद चिकित्सा का पहला सिद्धांत तो याद हो ही गया होगा कि जिन वजह से या कारणों से व्याधि की उत्पत्ति होती है उन कारणों को दूर करना है। यानी यदि आप ज़्यादा एसिडिक फूड लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं, ज़्यादा जागरण करते हैं तो आप उसे बंद करें। बढ़ी हुई गर्मी या पित्त की सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है विरेचन लेना, जो आप अपने आसपास के किसी अच्छे आयुर्वेद चिकित्सक से मिलकर ले सकते हैं, जो आप शरद और वसंत ऋतु में ले सकते हैं। विरेचन के टॉपिक पे मैं अगले किसी वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा। लेकिन अब बात करते हैं ऐसी 3 बेस्ट और इजी चीज़ों के बारे में जो आपको इस गर्मी से तुरंत राहत दिला देंगे। तो इसके लिए इसबगोल नाम की जो पाउडर मिलती है वो बेस्ट काम करती है। इससे अपना पेट साफ होता है, यानी स्टूल के माध्यम से एक्स्ट्रा बाइल जो है वो बाहर निकल जाता है। ये बाहर जाता मल अपने साथ एक्स्ट्रा पित्त को भी लेके जाता है। इससे 5 से 7 दिनों में ही काफ़ी आराम मिलता है। इसे रात में सोते वक्त 3 से 5 ग्राम मात्रा में गुनगुने पानी में लिया जाता है।
सब्जा के बीज भी शरीर की बढ़ी हुई गर्मी को बहुत जल्दी कम करके ठंडक पहुंचाते हैं। इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है इस पे मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है। इस वीडियो के बाद आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। मैं मेरी टीम से उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डालने के लिए ज़रूर बोल दूंगा। तीसरा हब है दुर्वा, जिसे दूब भी कहा जाता है, जो अपने गणपति बाप्पा को बहुत प्रिय होता है। इस दुर्वा का रस लेना या इन्हें थोड़े पानी में डुबोकर उस पानी को सुबह 9 बजे और शाम को 4 बजे लेना काफ़ी आराम देता है। इसका 20 से 30 ml तक पानी लेना होता है। इस घास पर नंगे पाँव चलना भी आपके शरीर की ज़्यादा उष्मा को कम करने में काफ़ी लाभदायक देखा गया है। इसके अलावा आयुर्वेद में वर्णित परिपाठादि काढ़ा, चंद्रकला रस और अविपत्ति का चूर्ण भी पेट की गर्मी को कम करने में बहुत ही फैंटास्टिक काम करता है। यदि किसी को बचपन में खसरा यानी मिसल्स हुए थे और उसके बाद उनका शरीर हमेशा गर्म रहता है, तो परिपाठादि काढ़ा ऐसी कंडीशन में किसी अमृत से कम नहीं है। कैस्टल ऑयल यानी एरेंड का तेल भी एक बहुत ही अच्छा विरेचक है, जो इस गर्मी को 3 से 5 दिनों में ही कम कर देता है। इसके अलावा हाथ और पाँव में मेहंदी के पत्ते कूट कर लगाना, चंदन और अगरू का अंगराग भी इस बढ़ी हुई गर्मी को बहुत ही जल्दी कम करता है। तो दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। आप अपने इससे जुड़े सवाल मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं, जिन्हें मैं खुद रिप्लाई करता हूँ। तो दोस्तों, ये हमारा आउटडोर शूट का पहला प्रयास था। आप मुझे नीचे कमेंट्स में ये ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसे लगा। तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करके हमें इस यूज़फुल इन्फॉर्मेशन को और भी लोगों तक पहुँचाने का मौका दें। मैं बहुत ही जल्दी एक ऐसी वीडियो के साथ फिर से लौटूंगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।